मार्केट में एकदम से फट फैला कि एलन मस्क की कंपनी ने सारे के सारे बिटकॉइंस जो कि 300 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की वैल्यू थे वो उन्होंने सेल कर दिए, जिसकी वजह से क्या है कि BTC नीचे गिरा और 50% से भी ज़्यादा 24 आवर्स की वॉल्यूम ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज की नीचे आ गई। मार्केट कैप 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया, यानी कि लगभग 20 बिलियन डॉलर मार्केट से गायब हो गए, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा हुई। तो 24 घंटे के अंदर अंदर 1 बिलियन डॉलर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स की लिक्विडेशन हुई, जिनके बहुत बड़े लॉसेस हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो ये फट फैला, इसी के साथ साथ शिबेरियम का फट भी फैला कि शिबेरियम काम नहीं कर पा रहे हैं, शिबेरियम की स्केलिंग सही नहीं है, शिबेरियम बिल्कुल ख़त्म है, लॉन्च होते ही जो ट्रैफिक है उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, ट्रांजेक्शन्स को हैंडल नहीं कर पा रहा है। ये सारी अपडेट, सारी न्यूज़ की वजह से क्या है कि एकदम BTC नीचे गिरा, मार्केट बिल्कुल ख़त्म हो गई। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो सामने हमें दिख रहा है कि एलन मस्क की न्यूज़ है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिटकॉइन उन्होंने बेच दिए, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और मार्केट में रिकवरी भी फॉर श्योर होने वाली है। BTC का प्राइस अभी $26,000 के आसपास चल रहा है, अभी ये डेफिनेटली वापस $30,000 की तरफ बढ़ेगा। हालांकि करंटली अगर हम देखें ग्रीड एंड फियर इंडेक्स, ये 34 के आसपास चल रहा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फियर में चल रहा है, जो कि पहले 50-52 के आसपास चल रहा था, यानी कि न्यूट्रल चल रहा था। तो इसका मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे। और बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी, वॉल्व ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर हम सारी अपडेट्स सबसे पहले डालते रहते हैं, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो मार्केट का जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है 34 तक आया, यानी कि फियर मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा लोग डर रहे हैं कि इससे पैसा निकालने में ही फायदा है, उनको लग रहा है कि मार्केट बिल्कुल नीचे जाने वाली है। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है डिप को बाय करने की, क्योंकि पहले बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, पिछले 1-2 महीने के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है पूरी मार्केट ने, यहाँ तक कि ऑल्ट कॉइन्स ने भी हमें अच्छा प्रॉफिट दिया है। अब आपके ऊपर है कि आप फिर से एक और प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो आप अच्छे कॉइन्स को बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 7 डेज की परसेंटेज आप देख लो, जिसमें सबसे ज़्यादा लॉस है वो है लाइट कॉइन, जो कि $64 के आसपास आ चुका है। यहाँ पे 4-5 अगर आप ले लेते हो तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे प्रॉफिट बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये $64 वाला कॉइन वापस $100 तक बहुत ही ईजी और फास्टली बढ़ने वाला है। शिबा इनू की बात कर लें, ये भी टॉप लूजर्स में से एक अभी चल रहा है, मान लो यहाँ पे 85 के आसपास प्राइस चल रहा है, यहाँ से 85 से ये 99 या फिर 0.00001 तक जाने वाला है, क्योंकि इसका जो प्रोजेक्ट है फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तो ये मैं सजेशंस इसलिए दे रहा हूँ कि आप ऐसा मत सोचो कि मार्केट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, मार्केट में आपको ये देखना है कि यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या है, पहले जो हो गया सो हो गया, अब उसके बाद हमने दोबारा से प्रॉफिट कैसे अर्न करना है। अब जो मार्केट में इतना ज़्यादा फंड फैला हुआ है उसके ऊपर मैं आपको थोड़ी क्लैरिटी देता हूँ। तो बताया गया कि एलन मस्क की जो कंपनी है SpaceX के, उन्होंने बहुत बड़ी सेलिंग करी है, अपने बिटकॉइंस जो हैं वो सारे के सारे इन्होंने सेल ऑफ कर दिए, लेकिन ये सच्चाई बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि ऐसा कंफर्म नहीं किया है, अभी तक भी कंफर्म नहीं किया, 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, एलन मस्क ने या SpaceX ने ऐसी कोई भी अपडेट नहीं दी है कि उन्होंने BTC को सेल ऑफ किया है। तो ये सिर्फ एक ब्लेम गेम चल रहा था सोशल मीडिया के ऊपर कि इन्होंने बिटकॉइंस को सेल किया है, और वो भी 373 मिलियन डॉलर की जो होल्डिंग्स है उनको सेल किया, जो कि सरासर गलत है। और इसी को देखते देखते BTC का प्राइस $25,000-26,000 के आसपास आ गिरा। तो अब एक चीज़ टेक्निकल चीज़ है, समझिए इस चीज़ को, कि यहाँ पे कंपनी ने सिर्फ राइट डाउन किया है BTC की वैल्यू 373 मिलियन डॉलर, अब ये पिछले 2 साल की बताई गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने क्रिप्टो करेंसीज को सेल किया है। एलन मस्क के ऊपर ऑलरेडी केस चल रहा है डॉजकॉइन का, वैसे वो बहुत बड़े सपोर्टर है क्रिप्टो करेंसीज के, लेकिन उनके ऊपर 258 बिलियन डॉलर का लॉ सूट चल रहा है कि उन्होंने पिरामिड स्कीम रन करी मीम बेस्ड कॉइन्स की। अब आपको ये चीज़ मैं क्लियर करता हूँ कि ऐसी क्यों न्यूज़ सामने आई। तो जब भी राइट डाउन की बात आती है, राइट डाउन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोजेक्ट एसेट या फिर कंपनी के पास कोई, जैसे कि बिटकॉइंस पड़े हैं, क्रिप्टो करेंसीज पड़ी हैं, अगर उनकी वैल्यू डाउन जाती है तो उसको ये राइट डाउन करते हैं, यानी कि वो लो प्राइस के हिसाब से दोबारा से प्राइस लिखते हैं बुक्स में कि अभी इसका इतना प्राइस चल रहा है। लेकिन अगर ये बैलेंस शीट में इस तरीके से लिख दिया जाए तो उसका मतलब होता है कि सेल ऑफ कर दिया गया। अभी तक कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आई है कंपनी की तरफ से, उन्होंने कोई भी ऐसा खुद कन्फर्म नहीं किया है कि इतना ज़्यादा इन्होंने सेल ऑफ किया है।
तो एक्चुअल में मार्केट में ओपन इंटरेस्ट जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से काफ़ी सारे पड़े थे जो कि लिक्विडेट होने वाले थे, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ही तेज़ी से लिक्विडेशन हमें देखने को मिली जो कि $1 बिलियन तक पहुँच गया और BTC का प्राइस $25,000 तक पहुँचा। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि मार्केट में सिर्फ फंड ही था। सिमिलरली ऐसा फंड हमें शिबा इनू में देखने को मिला, शिबेरियम लॉन्च हुआ उसके ऊपर ट्रांजैक्शंस बहुत ही तेज़ थी, बहुत ही ज़्यादा थी, यानी कि एकदम से 160 मिलियन ट्रांजैक्शंस आ गई जो कि महीने में 400 मिलियन के आसपास रह सकती हैं। तो 30 मिनट के अंदर ये 160 मिलियन के आसपास जब पहुंची तो शिबेरियम थोड़ा होल्ड पे हो गया जो कि टेक्निकल डिफ़िकल्टी देखने को मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि शिबेरियम बिल्कुल फेल हो जाएगा। यहाँ पे जो ब्रिज था उसको रीस्केल करने की ज़रूरत थी और शिबा इन्होंने खुद अनाउंस कर दिया कि ये रीस्केल इसको करने वाले हैं। और जो स्क्रीनशॉट्स आपको दिखे हैं कि शिबेरियम नेटवर्क बिल्कुल फेल हो रहा है या फिर इनका जो ब्रिज है वो ब्रोकन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सारी फेक पोस्ट थी। उसके बाद शिबेरियम ने, यानी कि शिबेरियम का एक अलग से ब्लॉग आया, एक पोस्ट आई जिसमें हर एक चीज़ बताई गई कि अभी शिबेरियम में फिर से स्केलिंग लाई जाएगी, इसकी स्केलिंग को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा और इसको 1500% ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, इसकी कैपेसिटी भी और भी ज़्यादा बढ़ाई गई है, टॉप नॉच मेटल इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बनाया गया है, कई सारे एडिशनल प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं ताकि अगर ज़्यादा भी ट्रैफिक आता है तब भी ईजिली शिबेरियम इस ट्रैफिक को हैंडल कर पाए। तो शिबेरियम को लेकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी फंड्स इसके ऊपर पड़े हैं वो सारे के सारे सेफ हैं और शिबेरियम वापस फिर से वैसे ही रन करेगा। लेकिन जो मार्केट में फंड है BTC को लेकर के BTC सोल्ड किए गए, तो ऐसा कुछ नहीं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है वो ये है कि अभी अपडेट आएगी SpaceX की तरफ से, एक फाइनल अपडेट आएगी कि क्या उनके पास BTC अभी है या नहीं, क्या उन्होंने क्रिप्टोकरेंसीज को सोल्ड किया है नहीं, उसके बेसिस पर मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो ये भी हो सकता है, अगर उन्होंने अनाउंस ही कर दिया कि सच में सेल ऑफ कर दिया SpaceX जैसी बड़ी कंपनी ने बिटकॉइन को, तो उसका मतलब ये होगा कि ब्लॉकचेन को वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्रिप्टोकरेंसीज को वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर इतनी एडवांस्ड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी अगर सेल ऑफ कर देगी तो क्रिप्टोकरेंसीज का यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, जो मार्केट कैप है $1 ट्रिलियन से नीचे भी जाने वाला है। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना चाहिए इस वक्त, क्योंकि ऑलरेडी लिक्विडेशन काफ़ी सारी आ चुकी है, अभी हमें सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ एंड अपडेट्स ही देखने को मिलेगी और BTC का प्राइस वापस फिर से पहुंचने वाला है $30,000 की तरफ। अगर आपको किसी भी कॉइन के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। और वैसे भी अपडेट्स आपको सारी हमेशा मिलती रहेंगी हमारे टेलीग्राम के ऊपर वॉल्व ट्रेड ऑफिशियल, आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस हमेशा सबसे पहले पहुँचते रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।